नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं रैपिड टाइम्स। आइए एक नजर डालते हैं आज की दिन भर की खबरों पर। पश्चिम बंगाल में आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा पत्र, आरजी कर अस्पताल गतिरोध मामले में हस्तक्षेप का किया अनुरोध। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का किया सामाजिक बहिष्कार, कहा ममता बनर्जी के साथ नहीं साझा करूंगा कोई भी मंच। पिटाई के बाद आहत होकर एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या करने का आरोप, इस घटना के संबंध में पुलिस ने चार लोगों को किया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास स्थित अशीघर मोड़ संलग्न इलाके की घटना। पूजा से पहले लोगों के चेहरे पर लौटी मुस्कुराहट, सिलीगुड़ी थाना की पुलिस ने चोरी और छिनताई हुए 31 मोबाइल फोन बरामद कर असली मालिक को सौंपा। भक्तिनगर थाना की पुलिस ने बदमाशों के मंसूबे पर फेरा पानी, डकैती से पहले 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में पेयजल की समस्या को हल करने के लिए मेयर गौतम देव ने गाजल डोबा में अमृत परियोजना के तहत पेयजल कार्य के पहले चरण का किया उद्घाटन। आरजी कर मामले को लेकर कल शाम 6 बजे सिलीगुड़ी महिला कॉलेज की पूर्व छात्राओं का विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम, महिला कॉलेज के गेट से निकाली जाएगी विरोध रैली। फालाकाटा में अनियंत्रित होकर पलटी पिकअप वैन, हादसे में 2 व्यक्ति घायल। डुअर्स के कलाबारी चाय बगान में तेंदुए के हमले में एक महिला चाय श्रमिक गंभीर रूप से घायल, अलीपुर द्वार के बीरपारा अस्पताल में चल रहा महिला का इलाज। फांसीदेवा के विधाननगर में 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लॉरी और टोटो की जोरदार टक्कर, घटना में टोटो चालक सहित 3 व्यक्ति घायल। फांसीदेवा के विधाननगर में महानंदा नदी से बालू चोरी करने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार, ट्रैक्टर और डंपर भी जब्त। बीरपारा थाना के पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी सिगरेट के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, जब्त सिगरेट का बाजार मूल्य करीब 82 लाख रुपए। रैपिड टाइम्स में आज के लिए बस इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सिलीगुड़ी टाइम्स।